VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का जब हम यूज करते हैं तो हमारे IP एड्रेस को हेड करके हमें इंटरनेट पर सिक्योर रखता है। हमारा जो प्राइवेसी होता है वो लीक होने का चांसेस बेहद ही कम हो जाता है यदि हम VPN को यूज करते हैं तो। उसके अलावा VPN का यूज हम क्लाउड गेमिंग के लिए और ब्लॉक वेबसाइट को बाईपास करने के लिए भी यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि VPN का यूज और कहां कहां हो सकता है, उसके अलावा हम VPN को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल में, अपने किसी अदर डिवाइस में जैसे कि लैपटॉप PC। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका इस्तेमाल हम अपने प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए कर सकते हैं। और VPN को यूज करना बिल्कुल इल्लीगल नहीं है जब तक कि इनसे आप कोई भी इल्लीगल काम नहीं करते हैं तो। तो यदि आप VPN को यूज करना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि VPN आखिर काम कैसे करता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हम इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते हैं या फिर इंटरनेट को ओपन करते हैं तो हमारा एक यूनिक IP एड्रेस होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप IP एड्रेस को देख सकते हैं। जिस तरीके से हमारा एक IP एड्रेस होता है उसी तरीके से हर एक वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है जो कि उसके डोमेन से लिंक होता है, जैसे कि google.com, youtube.com, इन सारे वेबसाइट का भी एक IP एड्रेस होता है। और जब हम उन साइटों पर विजिट करते हैं तो हमारा जो IP एड्रेस है और उसका जो IP एड्रेस है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो शेयरिंग होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके IP एड्रेस पर ये वीडियो डिलीवर किया जा रहा है तो आप इस वीडियो को प्ले कर पा रहे हैं। उसी तरीके से जब भी आप किसी भी ब्राउजर पर जाते हैं तो आपका जो डेटा है वो उस सर्वर में अपलोड होता है, वो उस सर्वर में आपका जो IP एड्रेस है वो स्टोर हो जाता है। और आपको पता ही होगा कि IP एड्रेस से बहुत सारे डिटेल निकाले जा सकते हैं अपने बारे में, जैसे कि आप किस लोकेशन पर हैं, आपका लोकेशन क्या है, उसके अलावा आप किस सिम को यूज कर रहे हैं, आप किस नेटवर्क प्रोवाइडर को यूज कर रहे हैं, ये सारे डिटेल हमारे IP एड्रेस से प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और साथ ही आप जो भी डिवाइस को यूज कर रहे हैं उसका जो मॉडल नंबर है वो भी हमारे IP एड्रेस में वहां पर स्टोर हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता है हमारा VPN। हमारा VPN हमारे IP एड्रेस से हेड हो जाता है, जिससे कि जो भी हम डेटा को विजिट करते हैं या फिर जो भी हम सर्च करते हैं वहां पर उस वेबसाइट में हमारा कोई भी डेटा सेव नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर IP एड्रेस को हेड करने का तरीका सिर्फ VPN ही नहीं है। यदि आप बिल्कुल सेफ ब्राउजिंग करना चाहते हैं तो आप टोर ब्राउजर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि VPN का क्या यूज होता है। अब यदि आप अपने मोबाइल में VPN को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पर आप VPN टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे VPN एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। कुछ VPN फ्री भी होते हैं तो आप फ्री VPN को भी यूज कर सकते हैं। तो यदि आप थोड़े बहुत सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप फ्री VPN को यूज कर सकते हैं, वरना आप पेड VPN के तरफ भी जा सकते हैं। और यदि आपको अपने PC में VPN को यूज करना है तो इसके लिए आप फ्री VPN को वहां पर सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पर भी कई सारे VPN फ्री में मिल जाएंगे, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं ताकि आपका जो लैपटॉप और PC है वो भी थोड़ा सिक्योर हो जाए। बाकी यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आप समझ चुके हैं कि VPN क्या होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।